वालेकुम वेलकम टू दी लाहौर गर्जन स्कूल क्लास टेंथ नेक्स्ट लेक्चर नंबर टू सब्जेक्ट इस्लामियत इलेक्टिव पेज नंबर फिफ्टी फ़ोर टू फिफ्टी सेवन बट आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है तोहीद हम तोहीद का मफहम समझेंगे तोहीद की हकीकत समझेंगे कि तोहीद क्या है और इसके कुरान की रोशनी में इसको एक्सप्लेनेशन उसकी देंगे फिर हदीस की रोशनी में फिर इसकी वसत नजरी और इसके मज़ीद इसकी इसके तोहद हमारी करदार साज़ी में क्या करदार अदा करती है तो हीद का अकीदा और फिर इन्हीं बातों को मज़ीद एक्सप्लेन कर, करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं तोहद का मफहम तो लगवी मायने एक मनाना या साबित करना है और अलाही मायने के लिहाज से इससे मुराद अल्लाह ताला की वाहदानियत है मतलब यानी इस बात का अक़दा रखना इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात और अफ़ाल के लिहाज से बेमिसाल है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तमाम कायना सिर्फ़ इसी की मखलूक है और इसी के तदबीर के मुताबिक चल रही है मतलब जैसे अल्लाह ताली ने यह सारा एक सिस्टम बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है कायनात में इसके अलावा और कोई खुदा नहीं जो इसके साथ सिफात या फाल में शरीक हो वो तमाम ऐबों से पाक है और तमाम कमालत इसमें मौजूद हैं वो हयू है और कयूम है यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो ग़ैर फ़ानी और दायमी है और इस तरह वो तमाम कायनत को संभाले हुए है इस काम में इसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है वो अकेला ही क्यूम है वह समध है यानी अपने वजूद और काम में किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसके मोहताज हैं बेशक अब हकीकत है तोहर तोहर की हकीकत क्या है तोहिर की ये हकीकत है कि अल्लाह ताला अकेला ही इबादत के लायक है कोई और ज़ात उसकी उसकी शरीक नहीं बन सकती अल्लाह अपनी ज़ात और सिफात और रफाल में ला शरीक है स, और सिफात की वाहदत से क्या मुराद है ये भी देखते हैं सफ़ात की बात से ये भी मुराद है जैसे सफ़ारत कामला किसी और जात में नहीं पाई जाती जैसे कि अल्लाह ताला की ज़ात में है और अफाल की बात का मतलब ये है कि कायनात की तमाम तदाबीर सिर्फ उसी के हाथ में है और जो वो काम कर सकता है कोई उसके जैसा दूसरा नहीं कर सकता और ना ही इसके मामलों में कोई मुदाखलत कर सकता है ये है हकीकत की हकीकत तोहिर मतलब तोहैर की हकीकत वही क्या है अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेशन हम इसकी करते हैं हकीकत है तो ही कुरान की रोशनी में आयत है सुरखलाश सुरखलाश है तर्जमा देखें कह दीजिए अल्लाह एक है अल्लाह बे न्याज है ना کسی किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई کا हमसर और सानी नहीं एक और आयत सूर्य लकमान से ली गई है उसका तर्जमा है बेशक शिरक़ बहुत बड़ा ज़ुल्म है पहले आयत जो हमने पढ़ी है सूर्य खला की उसमें यह ऐलान किया गया कि अल्लाह का अपनी जात, सफात अफ़ाल में यकता है वो ग्रो, जो खुदा के साथ किसी और ज़ात या सिफ़ात या फ़ाल में शरीक ठहराते हैं उनकी तरदीद की गई है जैसा कि मजूसी हिंदू नसरानी नसरानी नीम ईसाई तो एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हैं जुल्म अब अब यह बोल दिया गया है कि बेशक शिक बहुत बड़ा जुल्म है जुल्म किसी चीज़ के नजायज़ इस्तेमाल का दूसरा ना, नाम होता है जुल्म किसी चीज़ के गलत इस्तेमाल का दूसरा नाम है कोई भी चीज़ है अगर हम अगर वो सही हमें दी गई अगर हम उसको उसका गलत इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है कि हम जुल्म कर रहे हैं मोशक हमेशा अपने एसा से उनकी फ़ितर के ख़िलाफ़ काम लेता है जो शर्क करने वाला होता है ना वो अपने एसा से अपने जो भी जिसम के हिस्से हैं उसी उनकी फितर से जो उनको काम अल्लाह तला की तरफ तो से सौंपे गए हैं उनके ख़िलाफ़ उनसे काम लेता है उन्हें अल्लाह ताली के सबाद दूसरों के आगे झुकाता है और इनसे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं लेता इसलिए खुदा दाद अतिया से नाजायज काम लेने वाला सबसे बड़ा जालिम है इसी तरह इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ के लिए मैं आपको एक और आयत का बताती हूँ सूर्य नसा से ली गई है आ, आयत का तर्जमा है बेशक अल्लाह ये जुर्म नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए और उसके अलावा और गुनाह जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा फिर एक और आयत है सूरत तोबा से ली गई तो अठाईस शिक्क से गंदे ख्यालात और नापाक इरादे पैदा होते हैं इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुशरिकों को नजिस और करार दिया है सूरत तोबा की जो आयत थी वो ये है बेशक मुशरिक नापाक हैं इवाल मश्रकू नजस बेशक मुशरिक नापाक हैं अब तो ई की हकीकत हम हदीस की रोशनी में देखते हैं हकीकत तोहैद हदीस की रोशनी में हदीस है बेशक तोहद तमाम नेकियों की जड़ है अदीस में भी अकीदा तो बहुत ज़ोर दिया गया रसूल रसुलकमल वसम ने अपने तेरह साल मक्की दौर में सबसे ज़्यादा अकीद तहद पर ही ज़ोर दिया नबूत के ऐलान के कुछ अर्से बाद हजूर अकम सल्ल ने कोहे सफ़ा पर अपनी कौमी कुरैश को पहला खुतबा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया या युहन्नासु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु तर्जमा है ए लोगों कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कामयाबी और फलाह पाओगे अकीदा तो पर ज़ोर देते हुए हजूर अकम अलैहि वसल्लम ने एक मौक़े पर फ़रमाया बेशक तो तमाम नेकियों की जड़ है जो कि हदीस आप के सामने है इसके अलावा जो मैंने पहले हदीस बोली आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं <coughs> और इसके अलावा और भी छोटी छोटी हदीस हैं जो मैं आपको बताती हूँ आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक और जगह पर हजूर अकम सलीसम का इशाद है जिसने सच्चे दिल से ला ला कहा और उसी पर उसका ख़ात्मा हुआ तो वो जन्नत में दाखिल होगा एक और हदीस है सबसे अफजल ज़िक्र ला ला है और ये इन्हीं ये छोटी छोटी अदीस को भी बेटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इसके टॉपिक हैं कि तोहद किरदार साजी का हिस्सा कैसे बन सकता है हमारे पास हेडिंग्स हैं हम इसको हेडिंग से एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट हेडिंग हमारे पास वसत नजरी इंकसारी नंबर थर्ड है इतमान कल्ब नंबर फ़ोर है कनावत तो बेनियाजी नंबर फ़ाइव खुदाई कानून की पाबंदी नंबर सिक्स है वो वन आपको जो नजर आ रहा है खुदारी खुदारी और इ्ज़त नफ्स नेक्स्ट पकीजगी नफ्स नेक्स्ट सब्र तवक् नेक्स्ट है क़त शजात मसावत व अख़वत यह हमारी हेडिंग्स हैं अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं फ़र्स्ट हेडिंग हमारे पास है वसत नजरी अकीद वहीद पर ईमान रखने वाला कभी तंग नज़र नहीं हो सकता वो ऐसे खुदा का कायल होता है जो ज़मीन व आसमान का खालिक मशरक़ मगरब का मालिक और तमाम जहान का पालने पोसने वाला हो उस ईमान के बाद तमाम कायन में कोई चीज़ इसको गैर नज़र नहीं आती वो सब को अपनी ज़ात की तरह ही एक ही मालिक की मलकियत और एक ही बादशाह की रैयत समझता है उसकी हमदर्दी और महब्बत तो खुदा के किसी दायरे की पाबंद नहीं होती इसकी नज़र वैसी ही गैर महदूद हो जाती है जैसी खुद अल्लाह ताला की बादशाही गैर महदूद है नेक्स्ट इसका टॉपिक है आजी आज इंकसारी। खुद के साथ साथ यह अकीदा इंसान में इंकसारी भी पैदा करता है कौन सा अकीदा अकीदा तो ही इसका कायल कभी मगरूर मतकबर नहीं हो सकता अपनी कुवत और दौलत और काबिलियत का घमंड इसके दिल में समा ही नहीं सकता क्योंकि वह जानता है उसके पास जो कुछ है अल्लाह ताला तो का ही दिया हुआ है और ख़ुदा जिसको चाहे दे दे और जिसे चाहे छीन ले नेक्स्ट टॉपिक है इतमान कल दिली सुकून इसका मतलब दिल का सुकून तो हीर का कायल किसी हाल में मायूस और दिल शिकस्ता नहीं होता वो एक ऐसे खुदा पर ईमान रखता है जो ज़मीन और आसमान के सारे खजानों का मालिक है और जिसका करम बेहद विसाब है और जिसकी कुतें बेपाया हैं ये ईमान इसके दिल को गैरमूली तस्किन बख्शता है और इसको इतमान से भर देता है और हमेशा उम्मीदों से भरा रखता है लबरेज रखता है चाहे वह दुनिया के दूर दराज से ठुकरा दिया जाए मतलब सॉरी चाहे दुनिया के दर दर से ठुकरा दिया जाए जगह जगह से नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसका कनाव तो बेब्याजी बे तोद का अकीदा इंसान में कनाहत तो बे न्याजी की शान पैदा कर देता है हेस हवस और शक व हसद के रकीक जज्बात को इसके दिल से निकाल देता है कामयाबी हासिल करने के लिए नाजायज और जलील तरीके अख्तियार करने का ख्याल तक इसके जहन में नहीं आने देता वह सिर्फ़ अल्लाह ताली ही को कारसाज़ हकीीक और कादे मतलब समझता है नेक्स्ट टॉपिक है खुदाई कानून की पाबंदी ये अकीदा तोद ही दी है जो हमें खुदाई कवानीन के पाबंदी करना सिखाता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकीदा तो इंसान को खुदा के कानून का पाबंद बना देता है कि हमने एक ही खुदा को मानना है उसी को वाहि जाना और उसके ही तमाम कवानी उसके असूलों को फॉलो करना है इस अक़ीदे पर ईमान लाने और यकीन रखता है कि खुदा हर छुपी और खुली चीज़ से बाखबर है हमारी शाहर से भी ज़्यादा करीब है अगर हम रात के अंधेरे में और तन्हाई के गोशे में कोई भी में भी कोई गुनाह करें तो खुदा को इस, इसका इल्म हो जाता है अगर हमारे दिल के गहराई में भी कोई इरादा हो तो खुदा तक इसकी खबर पहुंच जाती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास खुददारी औरत नफ्स इंसान में इंतहा दर्जे की खुददारी और इज्जत नफ्स पैदा कर देता है इस पर ऐत रखने वाला मतलब इस पर अकीदा रखने यकीन रखने वाला जानता है कि सिर्फ़ एक खुदा तमाम ताकतों का मालिक है इसके सिवा कोई नफ़ा पहुँचाने वाला नहीं कोई मारने और जलाने वाला नहीं कोई साहिब इख्तियार और बासर नहीं ये इल्म और यकीन उसको खुदा के सिवा तमाम क़वतों से बेनियाज और बेखौफ कर देता है उसकी गर्दन किसी मखलूक के आगे नहीं झुकती और उसका हाथ किसी के आगे नहीं फैलता और जो आगे जो किसी के आगे हाथ फैला लेता है उसकी खुददारी उसकी नफ्स मजरू हो जाती है ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट है पाकिजगी नफ्स तो हीर पर अकीदा रखने वाला अकीदा तो हीर पर यकीन रखने वाला अच्छी तरह समझता है कि नफ्स की पाकिजगी और अमल की नेकी के सिवा इसके लिए निजात और फलाह का कोई ज़रिया नहीं क्योंकि वो एक ऐसे खुदा पर यकीन रखता है जो बेनियाज है किसी से कोई रिश्ता नहीं रखता अदल करने वाला है और किसी को इसी खुदाई पर दखल या असरअाज नहीं नेक्स्ट है सब्र अकीदा तो ही पर यकीन रखने वाला इंसान आज़म हौसले सब्र तवक्ल की ज़बरदस्त ताकत से लेस होता है लव होता है वो जब खुदा की खुशनुदगी के लिए दुनिया में बड़े काम सर अंजाम देने के लिए उठता है तो उसके दिल में ये यकीन पैदा होता है कि मेरी पुष्त पर ज़मीन और आसमान के बादशाह की कुवत है ये ख्याल इसमें पहाड़ की सी मज़बूती पैदा करता है और दुनिया की सारी मुश्किल और मुसीबतें और मुखालफत ताकतें मिलकर भी इसको अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सकती नेक्स्ट है क़वत शजात ये अक़ीदा इंसान को बहादुर बनाता है कौन सा अकीदा अकदा तोहद आदमी को बुजिल बनाने वाली दरअसल दो चीज़ें होती हैं एक तो जान माल और बच्चों की मोहब्बत दूसरा ये ख़्याल कि आदमी अपनी तदबीर से मौत को टाल सकता है ला लाह ला ला का अक़दा यकीन इन दोनों चीज़ों को दिल से निकाल देता है नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट मसावत व अख़ोत अकीदा तो ही नसल इंसानी के दरमियान मसावत और बराबरी का दर्श देता है व इंसान को ज़ात पात और दीगर माशरती और माशी ऊंची ऊँच उंच नीच के बंधन से आज़ाद कर देता है और इंसान के दिल में इस्लामी कौत का जज्बा उभारता है तब तंग नजरी और ग्रोह बंदी का खात्मा कर देता है बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था तो और तोहद की हकीक़त और उसकी एक्सप्लेनेशन जो वजाहती बाहाल है कुरान और बहवा हदीस फिर उसके बाद तो का क्या किरदार साजी में हिस्सा है ये सारी हमने एक्सप्लेनेशन की है और इसकी हेडिंग्स भी हैं तो आपका होमवर्क है क्लास वर्स होमवर्क आपने इसको हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है और इसकी साथ ही महाराज का टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे अल्लाह हाफिज़ थैंक यू